आई ज्वाइंड जी आई सी री एज अ स्केल वन असिस्टेंट मैनेजर इन 2016, और वहाँ एक साल काम करने के बाद फिर मैं PFRDA मूव कर गया था। तो जी आई सी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहले होल्डिंग कंपनी होती थी बाकी की पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की, विच आर नेशनल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया, ओरिएंटल। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे सिर्फ एक री इंश्योरेंस कंपनी की तरह इन्विजन करा और इट नो लॉन्गर वॉज अ होल्डिंग कंपनी। सो आज की डेट में जी आई सी री सिर्फ री इंश्योरेंस का काम करती है, सिर्फ री इंश्योरेंस बिजनेस करती है, एंड इट्स द नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया। तो री इंश्योरेंस होता क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज सारा रिस्क अपने बुक्स पे नहीं रखती हैं। कोई भी पॉलिसी अगर इंश्योरेंस कंपनी बेचती है या रिटेल पब्लिक को या फिर किसी और कंपनी को, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कोई प्लांट है तो उसकी इंश्योरेंस भी होती है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये जब पॉलिसीज़ बेचती हैं या किसी को कवर देती हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द रिस्क री इंश्योरर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड नेचुरली जो प्रीमियम उन्हें मिलता है वो भी वो सिग्निफिकेंट पार्ट री इंश्योरर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि ये जो री इंश्योरेंस होती है जब, तो ये वर्ल्ड अक्रॉस आप इंश्योरेंस कंपनीज किसी भी री इंश्योरेंस कंपनी को दे सकती हैं, ये रिस्क मल्टीपल री इंश्योरेंस कंपनीज को देती हैं। तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्लांट्स हैं और दो चार इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो इंडिया की हैं, उन्होंने उनको कवर करा हुआ है, अब तो वो रिस्क तो इंडिया में है, ज्योग्राफिकली इंडिया में है वो रिस्क। कुछ आग लग जाएगी तो यहाँ पर आग लगेगी, या अर्थक्वेक आ जाएगा, कुछ और सुनामी आ जाएगी। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज फिर जब अपना री इंश्योरेंस कराएंगी तो वो कुछ कुछ परसेंटेज दुनिया भर के री इंश्योरेंस कंपनीज़ को एलोकेट कर देंगी। तो उनमें से एक जी आई सी री भी है, और भी बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल री इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे म्यूनिक री, स्विस री, हैनोवर री, और भी बहुत कंपनीज़ हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो जियोग्राफिकल रिस्क है ये इंटरनेशनली स्प्रेड हो जाता है। तो जब क्लेम आएगा तो ये इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज US की री इंश्योरेंस कंपनीज से क्लेम कर सकती हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, क्लेम आया। तो सिमिलरली क्या होता है कि अगर कोई रिस्क US, कनाडा या अर्जेंटीना कहीं पर भी सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, तो वहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लोग भी अपना री इंश्योरेंस कराती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो GIC री जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट पार्टिसिपेंट है, एंड तो GIC री की बुक्स के ऊपर इंटरनेशनल रिस्क भी होता है। इनफैक्ट ह्यूज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ GIC री, आई थिंक 40-50%, 40 or 45% जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से आता है, एंड दैट्स प्योरली बिकॉज जो आपका कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का, वो कॉन्सेप्ट ही है कि आपको रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है दुनिया भर में, जिससे कि कभी एक कोई आपदा आए, कैटास्ट्रोफी आए, तो एक ही देश की इंश्योरेंस कंपनीज बर्बाद ना हो, वो स्प्रेड हो जाए, दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज उनको हेल्प कर दें। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि GIC इंटरनेशनल मार्केट प्लेयर है, तो GIC के अंदर फॉरेन अंडररेटिंग भी की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं US, कनाडा के इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्रपोजल्स को एनालिसिस करता था, और ऐसे अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगहों का इंश्योरेंस कंपनीज़ का के प्रपोजल्स आते हैं। इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं जो अंडरराइटर्स और इन इंश्योरेंस कंपनीज़ के बीच में कनेक्ट कराते हैं, बिजनेस प्लेस कराते हैं। तो इस वजह से क्या है कि GIC ने अपने कुछ ऑफिसेज ग्लोबली भी एस्टेब्लिश करे हुए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में एक है, लंदन में एक है, लॉयड्स सिंडिकेट है, एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पर भी GIC का प्रेजेंस है। आई थिंक USA में भी प्लान था बनाने का, मलेशिया में है। तो GIC में जो अंडरराइटर्स हैं एटलीस्ट उनको एक काफ़ी अच्छा डिसेंट चांस होता है कि उन्हें फॉरेन पोस्टिंग मिले आगे जाके अपने करियर में, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन आई वुड से। तो अब बात करते हैं कि GIC ऑर्गेनाइज कैसे, क्या क्या डिपार्टमेंट से कैसे काम होता है। तो जो कोर काम है किसी भी इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस कंपनी का, वो होता है अंडर राइटिंग।
तो अंडरराइटर्स क्या करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई पॉलिसी इशू करनी है या नहीं करनी, बेसिकली उन्हें ये रिस्क जो हैं ये कवर करने हैं कि नहीं करने, और अगर करने हैं तो किस प्राइस पे करने चाहिए, मार्केट का प्राइस कैसा है, आपका प्राइस कैसा रहना चाहिए। तो ये काम अंडररेटिंग डिपार्टमेंट्स का होता है। दूसरा एक डिपार्टमेंट होता है जो एक कोर डिपार्टमेंट है, वो एक्चुरियल डिपार्टमेंट होता है। तो एक्चुरियल डिपार्टमेंट वाले ये देखते हैं कि क्लेम्स का ट्रेंड कैसे आ सकता है, तो कितना रिजर्व्स रखना चाहिए कंपनी को। फिर वो ये देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट का या किसी पॉलिसी का जो प्रीमियम है, जो रेट है, वो टेक्निकली कितना होना चाहिए, एक्चुरियल रेट कितना होना चाहिए, वो सजेस्ट करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। फिर तीसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है क्लेम्स का। जब क्लेम आता है तो क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ता है कि क्या ये क्लेम एडमिसिबल है, क्या हमने जो अग्रीमेंट्स साइन करे हैं, ट्रीटीज साइन करी हैं, उनके अंडर ये क्लेम पेबल है कि नहीं, कितना है, एंड दे कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। एंड फिर बाकी जो आपके पेरीफेरी पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, फाइनेंस, HR, IT, एडमिनिस्ट्रेशन, या जैसे ऑफिस सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं वहाँ पे, ये होते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर भी दो तरह के अकाउंट्स हैं, बिजनेस अकाउंट्स, जो कि ये जो बिज़नेस की वजह से पैसा आ रहा है, अंडरराइटिंग प्रीमियम जो आ रहा है और जो क्लेम्स जा रहे हैं यहाँ से, उनका अकाउंटिंग, और एक जनरल अकाउंट्स जो GIC की दूसरी इनकम और एक्सपेंडिचर को भी देखता है, जैसे सैलरीज वगैरह हैं। और एक और पेरिफेरल डिपार्टमेंट है जो अनरिलेटेड है किसी इंश्योरेंस कंपनी के कोर बिजनेस से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है कि अब आपके पास प्रीमियम आ गया, हर साल आप उतने क्लेम्स तो दे नहीं रहे, तो आपके पास कुछ पैसा बच जाता है, तो वो जो पैसा बच जाता है वो ऐसे बैंक में नहीं पड़े रहता, वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट उसे इन्वेस्ट करता है मार्केट्स के अंदर, बॉन्ड्स खरीदता है, शेयर्स खरीदता है, और हर साल कुछ एक बेचता भी है ऐसे अपने एसेट्स को, तो उससे वही उन्हें प्रॉफिट आता है। तो वो डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है। तो अब जो अंडरराइटिंग की बात है, अब अंडरराइटिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो ज्योग्राफिकली कि US कनाडा का ये डिपार्टमेंट है या ऑस्ट्रेलिया का ये डिपार्टमेंट है, और दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस के हिसाब से। तो लाइन ऑफ बिजनेस क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, या बेसिकली जैसे फायर इंश्योरेंस कहते हैं, फिर मरीन इंश्योरेंस है, एविएशन इंश्योरेंस है, राइट, इस तरह से। तो ये अलग अलग लाइन्स ऑफ बिजनेसेस हैं। क्रेडिट री इंश्योरेंस है, लाइफ री इंश्योरेंस है, तो हरे लाइफ इंश्योरेंस और क्रेडिट इंश्योरेंस ये सब है, तो हर एक लाइन ऑफ बिजनेस का एक री इंश्योरेंस काउंटर पार्ट है। तो क्या है कि GIC में ये जो दोनों डिविजन्स हैं, इन दोनों डिविजन्स के आधार पर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टी री इंश्योरेंस में था, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ग्लोबल री इंश्योरेंस करता था, और उसके अंदर भी मैं US कनाडा वाले डेस्क में था। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है GIC री। अब बात करते हैं कि वर्क कल्चर कैसा है, या रादर वर्क स्टाइल कैसा है, कैसे काम होता है। तो जब मैं था तो मोस्टली काम ईमेल्स पे होता था, लेकिन इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉस टू बॉस। कुछ बॉसेस को फिजिकल पसंद है, तो हम अपने जो अप्रूवल नोट्स होते थे या प्रोसेस नोट्स होते थे, हम प्रपोज़ल आया, कोई ब्रोकर ने प्रपोज़ल दिया, उसको आपने एनालाइज़ करा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स निकाले, और अपना आपने रिकमेंडेशन प्रेजेंट कर दिया। अब आप अपने नेक्स्ट जो बॉस है हायरकी में, उसको आप सबमिट करोगे, एंड देन इट गोज ऑन। तो हायरकी क्या है, पहले तो असिस्टेंट मैनेजर, देन डेप्यूटी मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन चीफ मैनेजर, देन AGM, देन DGM, एंड देन GM, एंड देन देयर इज़ द बोर्ड। तो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में क्या है कि GMs वर्क डायरेक्टली बिलो द बोर्ड, एंड सम GMs आर इवन पार्ट ऑफ द बोर्ड। तो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में ED नाम की पोस्ट नहीं है। तो ऐसे कुछ GMs बोर्ड मेंबर्स नहीं है, कुछ GMs बोर्ड मेंबर्स हैं। तो ऐसे ये हायरार्की है। तो हमारा जो HOD होते थे वो AGM लेवल के ऑफिसर थे, सारे प्रपोजल्स उन तक रीच करते थे। तो मैं अगर बनाता था नोट, तो वो नॉट नेसेसरीली डेप्यूटी मैनेजर चेक करेगा, बट अगर असिस्टेंट मैनेजर मैं हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली सीनियर मैनेजर के पास जाएगा,
डेप्यूटी मैनेजर भी बना रहे हैं तो वो भी सीनियर मैनेजर के पास जाएगा, देन चीफ मैनेजर के पास जाएगा, एंड देन फाइनली AGM के पास जाएगा। तो एक हायरार्की है, ऐसे अप्रूवल होते हैं। और अगर हमें कोई डिक्लाइन करना होता था तो जो है कि फिर आपको DGM के पास भी एक लेके जाना पड़ता था कि हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते इस ऑफर में। इस तरह से हायरार्की है, वो हर एक डिपार्टमेंट की अलग पॉलिसी होती है एंड मैनुअल होता है, वो उस हिसाब से है। बाकी जो टाइमिंग्स हैं वो क्या हैं कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, 9:30 to 10:30 में आप कभी भी ऑफिस आ सकते हो, लेकिन अगर आप 9:30 पे ऑफिस आ रहे हो तो आपको मिनिमम 5:30 तक रहना पड़ेगा, और अगर आप 10:30 तक आ रहे हो तो आपको मिनिमम 6:30 तक रहना पड़ेगा। 10:30 के बाद जैसे अगर आप आए, 10:31 भी हो गया, बायोमेट्रिक पे आपने लेट करा, तो आपकी ऑटोमेटिकली हाफ डे CL कट जाती थी। तो ऐसा टाइमिंग है। कंपनसेशन के मामले में सबको पता ही है कि एटलीस्ट लाइक आई यूज़ टू गेट अराउंड 40,000 एट दैट टाइम, और उस टाइम पे जो लीज़ अमाउंट होता था वो भी 20,000 होता था, फिर उसके बाद 30,000 हो गया। तो ये जो लीज़ अमाउंट है, दिस इज़ टोटली ओवर एंड अबव द कंपनसेशन, जो आई थिंक 65,000 ग्रॉस लिखी हुई है। तो ये 30,000 जो है, आई थिंक वो एक अलग कॉम्पोनेंट है, आपको लीज़ पे लेना पड़ेगा घर वहाँ पे, प्लेस टू वर्क, गुड प्रॉस्पेक्ट्स टू गो अब्रॉड, एंड काफ़ी टेक्निकल सा काम है, थोड़ा नीच काम है, बिकॉज नोबडी नोज री इंश्योरेंस क्या है। तो इंडस्ट्री भी इंडिया में छोटी है अभी, बट गोइंग फॉरवर्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा इस इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है GIC में, GIC इज़ नाउ अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। तो या आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क। द ओनली डाउन साइड आई वुड से इज़ कि मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पोस्टिंग्स हैपन इन मुंबई, देयर हेड ऑफिस, तो और जो ऑफिस है वो भी चर्च गेट में सिचुएटेड है। तो वो एक मुंबई सिटी का जो हसल है वो कुछ लोगों को दिक्कत दे सकता है, और आपको जो है चर्च गेट से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 में मुश्किल से मिलेगा कुछ अच्छा वहाँ उसके ऑफिस के आसपास अकोमोडेशन। तो वो आपको ट्रैवल का प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे मैं तो लोकल में ही जाता था, क्योंकि रोड से जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने GIC क्यों छोड़ी, मैंने इसलिए छोड़ी कि बेसिकली मेरे को पूरी लाइफ मुंबई नहीं रहना था। तो GIC में एक कहावत है कि आपको मुंबई पोस्टिंग मिलना ज़्यादा मुश्किल है, इससे अच्छा तो आप बाहर की पोस्टिंग ले लीजिए, बाहर की पोस्टिंग का मिलना ज़्यादा चांस है। सो मुझे पूरा टाइम पूरे लाइफ मुंबई नहीं रहना था बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन्स, माई फैमिली रीजन्स, एंड मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे दिल्ली ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी लगने लग गया था कि थोड़ी सैलरी कम है वहाँ पे, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर टू अदर रेगुलेटरी जॉब्स, SEBI, PFRDA, RBI। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई। सो दिस वॉज द मेन रीजन दैट आई लेफ्ट GIC री, अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेस टू वर्क, एंड एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको जाते ही वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, आई थिंक 500-700 और पीपल हैं। और स्टार्टिंग से ही, इफ़ यू आर इन अंडर राइटिंग, तो स्टार्टिंग से यू विल हैव टू इंटरेक्ट विद द ब्रोकर्स, जो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपोजर, इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड या ऑल द बेस्ट।